नमस्ते, खुश रहो बेटा। मैसेल डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचनाशारी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज का क्लास है फाइब्रस स्केलेटन एंड मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो फाइब्रस स्केलेटन है वो कैसे बनता है और जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो फाइब्रस स्केलेटन क्या होता है? ये सराउंडिंग होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर और आर्टेरियल ओरिफिस में, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है दो, राइट और लेफ्ट, और एक होता है आर्टेरियल वॉल। इन तीनों जगहों में ये सराउंडेड होता है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द कार्डियक मसल एंड कीप द कार्डियक वॉल कंप्लीटेंट। ठीक है, नंबर होते हैं टोटल तीन। पहला देखते हैं द एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग। ये क्या होते हैं? एट के फिगर में फॉर्म होते हैं। द एट्रिया, द वेंट्रिकल्स एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर अटैच्ड टू देम। क्लियर। नेक्स्ट होता है ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। लार्ज मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है यह एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग और आर्टिक रिंग के बीच में होता है। यह जस्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग के पीछे रहेगा और आर्टिक रिंग के सामने होगा। इन दोनों के बीच में ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम नामक फाइब्रस होता है। नेक्स्ट होता है ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम। यह स्मॉलेस्ट फाइब्रस मास टिश्यू होता है जो आर्टिक और माइट्रल रिंग के बीच में होता है। तो इस प्रकार फाइब्रस स्केलेटन का निर्माण होता है हार्ट में। इमेज में हम देखते हैं तो ये पहला देखिए, इसमें जो होता है पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, इसमें शामिल नहीं होता स्केलेटन में। और ये आर्टिक वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो था हमने देखा ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम कैसा होता है? यह लार्ज होता है, बड़ा मास होता है। ठीक है, ये देखो ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल के बीच में और इधर ऑर्टिक के पीछे है। तो ऑर्टिक के पीछे और इन दोनों के बीच में ये ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम। ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिनिस्ट्रम छोटा मास होता है जो आर्टिक और माइट्रल के बीच में ये, और ट्राइगोनम फाइब्रोसम इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। हार्ट में जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्डियक मसल्स फाइबर्स फॉर्म लॉन्ग लूप विच आर अटैच्ड टू द फाइब्रस स्केलेटन। एक लॉन्ग लूप का निर्माण करते हैं कार्डियक मसल्स के जो फाइबर, और वो स्केलेटन से, फाइब्रस स्केलेटन से अटैच होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक एट्रियल फाइबर्स होता है, एक वेंट्रिकुलर फाइबर्स होता है और एक सुपरफिशियल फाइबर्स होता है। एट्रियल फाइबर्स होता है और वेंट्रिकुलर फाइबर्स होता है। फिर ये दोनों क्या होते हैं? फिर सुपरफिशियल और डीप में जाते हैं। एट्रियल फाइबर्स अरेंज होते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स लेयर में और डीप एंटेरो पोस्टेरियर या फिर वर्टिकल लेयर में अरेंज होते हैं। वेंट्रिकुलर फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं? सुपरफिशियल और डीप में। बात करते हैं वेंट्रिकुलर का सुपरफिशियल फाइबर। सुपरफिशियल फाइबर्स अराइज होते हैं स्केलेटन ऑफ हार्ट
एंड टू द अंडरगो अ स्पायरल कोर्स। स्केलेटन ऑफ हार्ट से स्टार्ट होते हैं और एक स्पायरल ग्रुप बनाते हैं। देन ये फाइबर्स का कोर्स देखते हैं किस प्रकार ये फाइबर्स रन करते हैं। फाइबर्स स्टार्ट फ्रॉम द टेंडन ऑफ इंफंडिबुलम। टेंडन ऑफ इंफंडिबुलम से स्टार्ट होता है, पास अक्रॉस द डायाफ्रामेटिक सरफेस, देन कर्व अराउंड इन्फीरियर बॉर्डर, फिर ये रीच द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, फिर यहाँ जाकर ये एंटेरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद यह अपेक्स में पहुँचता है और अपेक्स में वॉर्टेक्स फॉर्म करता है और उसके बाद फाइनली ये एंटेरियर पेपिलरी मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर एंड हो जाता है। ठीक है, दूसरा फाइबर जो एराइज होता है वो एवी रिंग के समान ही एराइज होता है, राइट एवी रिंग, राइट एट्री वेंट्रिकुलर रिंग। और सेम जो हम इंफंडिबुलम का जो फाइबरस ए होता है उसी के अनुसार ही वो रन करता है, किंतु इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो पोस्टेरियर पेपिलरी मसल्स में होता है। एंटीरियर पेपिलरी मसल्स में पहला वाला जाता है, दूसरा वाला जाता है पोस्टेरियर पेपिलरी मसल्स में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि तीसरा नंबर का जो फाइबर्स होता है उसका कोर्स देखते हैं। तीसरा नंबर का फाइबर्स राइज होता है लेफ्ट एवी रिंग से, फिर डायफ्रामेटिक सरफेस में वो लाई करता है, फिर पोस्टेरियर वेंट्रिकुलर ग्रुप में यह रीच होता है और फिर फाइनली पहुंचता है राइट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल्स में। जो डीप फाइबर्स होते हैं, डीप फाइबर्स एस शेप्ड का होता है, जो एस शेप्ड का होता है arises from papillary muscle of one ventricle, then turn in interventricular groove, then finally end in the papillary muscle of other ventricle. एक ventricle के papillary muscle से arise होते हैं और turn करते हैं interventricular groove में और फिर finally end हो जाते हैं दूसरे papillary muscles में। ठीक है, अब इसका जो first layer बनता है, फर्स्ट लेयर सर्कल का आरवी राइट वेंट्रिकल को सर्कल करता हुआ क्रॉस करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को और एंड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल में। जो दूसरा और तीसरा जो लेयर है वो डिक्रीजिंग पैटर्न में होता है आरवी में, राइट वेंट्रिकल में, और इंक्रीजिंग कोर्स में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इमेज से देखते हैं इसको, ये देखिए पहला इमेज ये बता रहा है सुपरफिशियल फाइबर्स। सुपरफिशियल फाइबर में हमने देखा था पहला कि जो इंफंडिबुलम है, इंफंडिबुलम से ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहले नंबर का इंफंडिबुलम से स्टार्ट हो रहा है, इंफंडिबुलम से स्टार्ट होते हुए या फिर नीचे इंफेरियर सरफेस में, इंफेरियर सरफेस में स्पायरल होता है, फिर ये क्रॉस करता है इधर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, एंटेरियर ग्रूव को क्रॉस किया, क्रॉस करके बाद ये अपेक्स में पहुंचा, अपेक्स में पहुंच करके फिर पीछे की ओर स्पायरल हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का जो फाइबर्स होता है वो भी इंफेंट्री राइट ऑरिकल के नीचे से स्टार्ट होता है और फिर वो भी राइट बॉर्डर में वो स्पायरल होते हुए पहले नंबर के जो मसल्स है उसी को ही फॉलो करता हुआ सेम वैसा ही स्ट्रक्चर में वो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर होता है वर्टिकल फाइबर्स ऑफ एट्रिया। एट्रिया में वर्टिकल फाइबर्स बनाता है और पीछे की ओर यह रन करता हुआ इंफीरियर सरफेस में यह रन करता हुआ जाता है और लेफ्ट लेफ्ट में जाकर इंसर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है दूसरा डीप मसल्स। डीप मसल्स में तीन लेयर होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर क्या होता है, आरवी, आरवी को इंसर्कल मतलब राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को इंसर्कल करता हुआ इस प्रकार जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर पिंड होता है। जो दूसरा और तीसरा होता है उसके डीप होते हैं। तो देखिए दूसरा यहाँ क्या होता है, ये इनर साइड होते हुए हैं, ये डिक्रीजिंग पैटर्न में, और यहाँ पर ये इंक्रीजिंग पैटर्न में आ जाते हैं। तो ये मस्कुलेचर ऑफ हार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।